two unknown compounds X and Y, both having molecular formula C4HRO. Give following results with four chemical tests. आपका कंपाउंड X ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देगा डीकलराइजेशन, आपका X देगा एनी मेटल मेटल के साथ बबल्स, क्रोमिक एसिड के साथ ऑरेंज टू ग्रीन, लुकास रिएजेंट के साथ देगा नो रिएक्शन. कंपाउंड Y होगा तो नो रिएक्शन देगा, एनी मेटल का होगा नो रिएक्शन देगा, क्रोमिक एसिड नो रिएक्शन, लुकास रिएजेंट नो रिएजेंट नो रिएक्शन. कंपाउंड X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, तो कौन से कंपाउंड होंगे जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देता है, नो मेटल के साथ रिएक्शन देता है, क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है लेकिन लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, और दूसरा जो Y है तो पूरे ब्रोमीन के साथ भी नहीं है, एनी मेटल भी नहीं देता रिएक्शन, क्रोमिन एसिड के साथ नहीं देता है और लुकास रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है. तो कंपाउंड X एंड Y रिस्पेक्टिवली कौन से होंगे, ए बी ए बी सी डी आर द ऑप्शंस. एंड इन फर्स्ट ऑप्शन देर आर वन इज अ ब्यूटानोल, अनदर वन इज अ अगेन वन ब्यूटानोल. इन बी ऑप्शन देर आर अल्कोहल in all and again here ether also. So cyclic ether. Answer question is the B. आपको जो यहाँ पर लिखाया है कि ये जो है आपका क्या देगा reaction देगा. Primary alcohol है तो Br2 के साथ reaction करेगा. Yes, Br Br substitute हो जाएंगे. Sorry, addition हो जाएगी और Na के साथ reaction करेंगे तो ONa O minus Na plus and plus half H2 निकल कर जाएगा. H2CrO4- के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्जन होगा COOH में, यानी कि अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय ऑक्सीडेशन. अगेन LR लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको नो रिएक्शन बिकॉज रिएक्टेंट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको रिएजेंट लुकास रिएजेंट का कोई काम नहीं वहां पर.